में भी हर वर्ष की भांति इस बार भी कल 8 बजे गर्भधारण किया गया और ठीक 12 बजे प्रकटोत्सव बनाया गया। और आपको बता दें कि कुल्लू का जो जन्मोत्सव है थोड़ा हटके रहता, क्योंकि ठीक 8 बजे भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है सत्यनारायण के पिंड में उसका गर्भधारण किया जाता है और 5 तत्वों से 4 घंटे तक वो मुक्त रहती है और ठीक 12 बजे पानी की जलधारा के साथ मूर्ति का प्रकटोत्सव किया जाता है और उसके बाद सब स्नान किया जाता है, झूले पे बिठाया जाता है और महाआरती होती है। ये सब कुछ कल हुआ और उसी की खुशी में आज आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। आज का जो अंतिम दिन था उत्सव भरा रहा, क्योंकि आनंद उत्सव आज मनाया गया, कल जन्म हुआ तो आज आनंद उत्सव की धूम रही। दही हांडी का आयोजन किया गया और जिस तरह से कोर्ट के भी आदेश है कि ज़्यादा ऊंचाई पर हांडी ना हो, इसलिए हम दही हांडी का विशेष ध्यान रखते कि 10 या 6 फुट के दायरे में ही रखते, ताकि आसानी से दही हांडी की जो परंपरा वो भी निभाई जाए और लोग भी इस उत्सव में आनंद ले।